Ya vi. कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थामना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी है, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अ वेरी वार्म वेलकम टू आर रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, मेंबर्स, लीडर्स, पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स टू दिस वंडरफुल ऑस्पिशियस इवेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर सो मेनी स्पेशल पीपल लाइक यू। आई, सुकन्या सेन, अलॉन्ग विद सत्यजीत चैटर्जी, वी वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल हेडक्वार्टर्स टू दिस म्यूजिकल इवनिंग, द ग्रैंड फिनाले ऑफ म्यूजिकल हंगामा। मैं आप सबका फिर से पुनः हमें स्वागत करना चाहूंगी इस संगीतमय शाम में। कोरोना महामारी के दौरान देश के युवा एवं भारत स्काउट गाइड्स के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित एवं व्यस्त रखने के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय ने पिछले 6 महीने के अंतर्गत कई वर्चुअल कार्यक्रम एवं परियोजना का आयोजन किया है। संगीत के क्षेत्र में म्यूजिकल हंगामा उनमें से एक है। म्यूजिकल हंगामा केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारे स्काउट, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स एवं यूनिट लीडर्स की छिपी हुई संगीत प्रतिभा को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। 10 साल के उम्र से ऊपर कोई भी सदस्य इसमें भाग ले सकते थे। हमारे पास शुरुआत में 1234 एप्लीकेशंस आई थी, 38 स्काउटिंग राज्य से, जिसमें रेलवेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन भी शामिल थे। खूब सोच विचार के बाद 90 प्रतियोगिती BSG के 6 क्षेत्र से क्वार्टर फाइनल राउंड म्यूजिकल धमाका में सिलेक्ट हुए थे। इन 90 में से 31 प्रतियोगी आगे बढ़कर सेमीफाइनल मेरा देश मेरा वतन राउंड में भाग ले पाए और सबसे बेहतरीन 12 प्रतियोगी आज इस ग्रैंड फिनाले सदाबहार 90s राउंड में हमारे सामने है। द 90s वॉज अ गोल्डन एरा ऑफ हिंदी म्यूजिक, सॉन्ग्स विद अनफॉरगेटेबल ट्यून्स एंड लिरिक्स, म्यूजिक दैट ब्रिंग्स यू बैक इन टाइम एंड रिमाइंड्स यू ऑफ सिंपलर टाइम्स, म्यूजिक दैट गिव्स सोल टू द माइंड, लाइट टू द इमेजिनेशन एंड लाइफ टू एवरीथिंग। दीज आर द मेलेडीज दैट आर एच्ड इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। स्काउटिंग गाइडिंग प्रथा को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करती हूँ सभी अपने जगह में खड़े हो जाए स्काउट गाइड प्रार्थना के लिए। Thank you. Please be seated. Before we start the program, it is time to remember one of the departed souls of the organization. Srimati N.K. Chhaya, she was a great leader trainer and assistant state commissioner of Bharat Scouts and Guides, Karnataka. She comes from background of a freedom fighter's family. May her soul rest in peace. I once again request everyone to please stand up
for 1 minute silent prayer to express our deep condolences for the departed soul. Om Shanti, Om Shanti. Thank you all. Please be seated. Yu nahi milti rahi ko manzil, ek junoon sa dil mein jagana hota hai. Pucha chidiya se kaise bana aashiyana boli, bharni padti hai udaan bar bar, tinka tinka uthana hota hai. With these words, I request the most dynamic and inspirational Joint Director Guides, Srimati Darshana Pavaskar Ma'am, to deliver the welcome address. Ve aaye aur sabhi ka swagat kare. Good evening and suswagatam. Bharat Scouts and Guides India has made an effort to engage its members to forget this pain and worries during this pandemic situation. Why this musical program called as Musical Hangama? This Musical Hangama is conducted under the leadership of our Dr. Anil Kumar Jain, our president, Dr. K.K. Khandelwal sir, our CNC sir, Mr. Rajkumar Kaushik, director of Bharat Scouts and Guides. This instrumental competition offers an opportunity to enhance the hidden talents in our members. Our dear participants would be performing on the theme called as Sadabahar 90s. While we have engaged our members in this musical program, we as an organization also observed the Fit India, Hit India movement launched by Shri Kiran Rijuji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports. On this musical evening, I take the proud privilege to welcome our chief guest, Mr. Ravi Krishan, a popular actor, producer, and the member of parliament. Heidi Yakuni from Finland, she is the chairperson of World Board of World Association of Girl Guides and Girl Scouts. We also have Mr. Vimal Kumar Meena, IRS officer, additional commissioner of income tax, Slim Range, Mumbai. Prithviraj Sinha Bhatia, additional private secretary to Minister of States for Social Justice and Empowerment. Mr. Ravi Tripathi, music director and singer and Indian Idol artist. Mr. Christopher Benjamin, our judge, who has been with us from the very initiative audition round, and he has come to our grand finale. Welcome you, sir. It gives me immense pleasure to welcome our additional Chief National Commissioner, Mr. M.A. Khalid, and all the office bearers of NHQ. I also extend a heartfelt welcome to all the participants, judges, parents, unit leaders, and all the viewers who are watching us live on this YouTube channel. I again take pride, pleasure to welcome all present here. Hope you all have a memorable, mesmerizing evening. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Sangeet ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज की उड़ान देता है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा म्यूजिकल हंगामा के मुख्य अतिथि को। इज एन इंडियन एक्टर, पॉलिटिशियन एंड टेलीविजन पर्सनालिटी। ही करंटली सर्व्स एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम गोरखपुर। ही प्रीडोमिनेंटली वर्क्स
in Bhojpuri and Indian cinema, alongside Telugu cinema. He has also appeared in a few Kannada and Tamil films. I am talking about none other than Shri Ravi Kishan ji, member of Parliament Lok Sabha. अब मैं श्री रवि किशन जी को अपने आशीर्वचन के लिए स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। नमस्कार, sorry I'm a little late because I'm in my constituency and शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। We'll continue. जब तक रवि किशन जी हमारे साथ वापस जुड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं उनके साथ। अब मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है या फिर मौजूद नहीं हो पाए, पर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए अपना शुभकामनाएं भेजे है। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्हें पूरे भारतवर्ष में हर कोई जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबके चहेते सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री हिमेश रेशमिया जी। आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो। Hi everybody, a very good evening to all of you. और मैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और म्यूजिकल हंगामा की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मैं पर्सनली नहीं आ सका, लेकिन इतने ऑनरेबल गेस्ट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि इट्स रियली एन ऑनर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे जो कि 5.7 मिलियन सेंसस हैं और इस पैंडमिक के वक्त, इस कोविड के दौर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी समाज सेवा कर रहे हैं और इतने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, मैं उन सब बच्चों को, सभी टीम मेंबर्स को, ऑनरेबल गेस्ट्स को, ऑनरेबल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और इस म्यूजिकल हंगामा की पूरी टीम को और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की पूरी टीम को जिन्होंने बच्चों के मनोरंजन के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन सबको, सभी गेस्ट्स को, सभी ऑनरेबल टीम मेंबर्स को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग और स्पेशली मैं विमल कुमार मीना जी का, जो कि हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं फिल्म रेंज के, और साथ ही साथ मनीष मेहता जी का जो कि नेशनल हेडक्वार्टर कमिश्नर हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के,
और इस प्रोग्राम के म्यूजिकल हंगामा के इस प्रोग्राम के डायरेक्टर जो हैं राजकुमार कौशिक जी, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ और बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आशिक बनाया अपने तेरे बिन सोनी सोनी है आंखें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिना सर मेरी आए, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी जलाए, तेरे बिन चैन मुझको ना आए, तेरे बिन ओ आशिक बनाया अपने, तेरी मेरी कहानी, आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी, मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ नहीं जुड़ के भी जुड़े हुए हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में पर खुदा करे सारा जहां हो आपका। इट इज माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस आवर ऑनरेबल चीफ Our guest of honor for today is Shri Vimal Kumar Meena Ji. Shri Vimal Kumar Meena Ji is an officer of Indian Revenue Service, IRS, of 2007 batch. He is currently serving as an additional commissioner of Income Tax, Film Range, Mumbai. He is credited with quality investigation of many high-profile cases. He has been awarded with Medal of Excellence twice by the Income Tax Department for his outstanding work in the field of investigation during demonetization and thereafter. He joined the Bharat Scouts and Guides during his schooling at 8th standard. Since then, he is following the path shown by scouting in his life. He has been associated with the Bharat Scouts and Guides movement since the last 29 years. Aapka bahut swagat hai sir, is musical hangama ke grand finale mein. थैंक यू वेरी मच सुकन्या जी, और बड़ा अच्छा लगा आपने बहुत अच्छे से, आई थिंक यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ बंगाल बट स्टिल यू आर स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी, सो आई रियली अप्रिशिएट योर दिस स्पीच। और मुझे आज बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा एक ख्याल है कि आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो एक अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सब जैसा कि विदित है हमारे चीफ नेशनल कमिश्नर सीएनसी श्री खंडेलवाल साहब के कुशल नेतृत्व में जो ये प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है भारतीय स्काउट एंड गाइड्स का, वो एक बहुत ही अच्छे और नए मुकाम पर पहुंच गया है। मैं पिछले काफी समय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मूवमेंट से भारतीय स्काउट एंड गाइड्स आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस लास्ट 2-3 साल से जिस तरह का फीलिंग आ रहा है और जिस तरह से जितना नया जज्बा नए लोगों में है और विभिन्न तरह के जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं वो खंडेलवाल साहब के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व की पहचान है। मैं मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं और जो मुझे दोबारा इस भारत स्काउट एंड गाइड्स मूवमेंट से एक्टिवली एसोसिएट किए हैं, श्री मनीष मेहता साहब, उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।
और हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं इनके साथ में कि जो भी जब भी इनका कुछ रिक्वेस्ट आता है कि किसी फिल्म जो इंडस्ट्री की किसी पर्सनैलिटी से किसी कलाकार से जुड़ा जाए, इस बार भी हमने बहुत कोशिश किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफी लोग आने वाले थे, नए लोग जुड़ते जो म्यूजिक इंडस्ट्री से फिल्म लाइन से, बट किसी कारण से, किसी का पहले प्रीशेड्यूल्ड प्रोग्राम्स थे तो किसी कारण से फाइनल नहीं हो पाया। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आगे भारतीय स्काउट एंड गाइड्स के जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें निश्चित तौर पे अच्छे मतलब कुशल कलाकारों को और इस राष्ट्र के जो चोटी के सैनिक कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और डेफिनेटली आएंगे। इसी कड़ी में मैं श्री राजकुमार कौशिक जी जो डायरेक्टर हैं हमारे, श्री दर्शना मैडम, श्री रूबी मैडम और सारे जितने भी भारतवर्ष के स्काउट एंड गाइड्स हैं और जो जितने भी पदाधिकारी हैं और आज इस हंगामा म्यूजिकल प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहे और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक बेहतरीन व्यक्तित्व के तौर पर निर्भर ताकि आगे जाके इस राष्ट्र को कुशल नेतृत्व दे सके। आप जितने भी आज के इस प्रोग्राम में सहभागी हैं, जितने भी लोग आज कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बारे में मैं दो तीन चीजें आपको साथ शेयर करना चाहूंगा कि पीछे में भारत स्काउट एंड गाइड्स एक ऐसा मतलब निष्पक्ष आंदोलन है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी राजनीतिक और किसी एफिलिएशन के साथ में, कि इसने चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए सबसे श्रेष्ठ जो फॉरम प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ा मंच जो प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा जो आंदोलन है, और वो एक चरित्र निर्माण जो आगे आदमी किसी भी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लाइफ में एक उन्नति करने के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और पीछे में हमारे जो भारतीय स्काउट एंड गाइड्स के जितने भी लोग रहे, चाहे ये पदाधिकारी लोग हो, चाहे सब, चाहे रोंजर सारे के सारे, सब लोगों ने इस समय अपने बहुत ही अंतरतम से अपने एक्टिव होके सब अपने जो सैनिटाइजर्स हैं वो वितरित हो रहे ग्लोबल वे में, जो जितना इस तरह का वो चल रहा है, उस दौर में एक जीवन को किस तरह से मतलब एक नई दिशा दी जा सकती है, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रह सकते हैं, किस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है देश की, वो जिस तरह से जो सहयोग कर रही है उसके साथ किस किस तरह से हम लोग उसको और एम्पावर कर सकते हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी स्काउट एंड गाइड्स हैं, किस तरह से उसमें अपना एक सहयोग दे सकते हैं, उसकी एक बेहतरीन मिसाल आप लोगों ने सबने पेश की है। और मैं इसके लिए हमारे जितने भी मतलब स्काउट एंड गाइड्स हैं जो एक्टिवली पिछले लास्ट 6 मंथ से सब तरह से अपना इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, हमारे नागरिकों को एक बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए, उनकी समस्याओं में उनका सहभागी बनने के लिए, उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने के लिए, उनमें एक चेतना लाने के लिए, एक जागरूकता लाने के लिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें उनकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के लिए, जो जितना ये कार्यक्रम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रोग्राम में मतलब खासकर जो ये म्यूजिक का प्रोग्राम है, इसका एक चरित्र निर्माण में म्यूजिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक आदमी को उत्साह देने के लिए उसमें भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे एक्चुअली हमारे इस दौरान में जब सारी की सारी चीजें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज की एक लिमिटेशन है लॉकडाउन की वजह से, उस लॉकडाउन के जरिए ये सब चीजें संगीत से इसको जोड़ के हमारे जो जितने भी नेशनल वाइड मतलब ये जो प्रोग्राम किया है, इसके लिए पूरे जो अपेक्स हमारी टीम है, राजकुमार साहब हैं और जो हमारे CNC हैं, हमारे जो नेशनल हेड हैं जैन साहब, मेहता साहब हैं, ये सबको, जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैडम हैं, दर्शना मैडम है, रूबी मैडम है, इनका एक्चुअली जितना धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है।
मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है एक्चुअली कि किस तरह से इनके धन्यवाद को शब्दों में ज्ञापित किया जा सकता है। मैं आप सबके लिए इस आंदोलन में जितने भी लोग सक्रिय रूप से जो सहभागी हैं, जो सहायता कर रहे हैं, जो जुड़े हो, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका एक अच्छा स्वास्थ्य रहे, ताकि वो लोगों की, गरीबों की, बेसहारा की और इस सेवा कर सके और इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मेरे आज के जितने भी सारे प्रतिभागी हैं उनको मेरी तरफ से, इस आंदोलन की तरफ से, सारे के सारे जितने भी सहभागी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर प्रोग्राम और आगे हमारे होते रहेंगे और हम किसी न किसी तौर पे जो जो भी हम लोगों के लिए पॉसिबल है, मतलब मेरे लिए, मैं पर्सनली, मेहता साहब जो बताते हैं नेशनल हेडक्वार्टर से जो भी कम्युनिकेशन आता है कि भाई इसमें हम लोग ये हेल्प कर सकते हैं या इसको इन्वाइट कर सकते हैं किसी फिल्म पर्सनैलिटी को या किसी और किसी दूसरे फील्ड के जो हम लोगों के अच्छे जो पथ प्रदर्शक लोग हैं, जो अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं समाज को, उन लोगों को, तो आगे भी इस सीरीज में मेरा ये, मतलब आज इस मंच के माध्यम से मैं मेहता साहब को भी ये इस दिशा में, मतलब एक मैं उनका अटेंशन इनवाइट करना चाहूंगा, राजकुमार साहब का भी, खंडेलवाल साहब का भी, हालांकि वो यहाँ नहीं है, कि जैसे ये फिर ये म्यूजिकल जो प्रोग्राम है इसके साथ साथ हम कोई एक तरह से जो सोशल फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से, जो अच्छा बेहतरीन नेतृत्व दे रहे हैं, उन लोगों को भी बीच बीच में इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग इन्वाइट करने का, एक इस तरह का मेरे ख्याल से प्रोग्राम बनाना चाहिए और जिससे कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आगे उनका एक अच्छा चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण होगा आज के इस प्रोग्राम में। क्योंकि प्रोग्राम से पहले ही मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, और लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया आपने आमंत्रित किया, इस आमंत्रण के लिए मैं पूरे नेशनल हेडक्वार्टर्स का, मनीष मेहता साहब का, राजकुमार साहब का, खंडेलवाल साहब का और आप सब लोगों का, सारे सहभागियों का जो आज की प्रतियोगिता में जो सहभागी है उनका और सारे जो अपने संगठन के पदाधिकारी उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सारे जितने भी प्रतिभागी आज के लिए उनके लिए सब शुभकामनाएं। हो सकता है कोई फाइनल में आज आप लोगों में से एक फाइनलिस्ट निकलेगा जो विजेता बनेगा, लेकिन ऑल आर विनर है, देर इज नो ओनली सिंगल पर्सन। ठीक है, ये हम लोग क्योंकि कार्यक्रम को एक स्ट्रक्चरल वे में फाइनलाइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए कोई एक विजेता हो सकता है, बट आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी जिसने भी इसमें किसी भी स्टेज पे अपना किसी भी स्टेज पर अपनी भूमिका अदा की है, किसी भी स्टेज पर आपने पार्टिसिपेट किया, वो सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी विनर्स रहेंगे जीवन में। आगे बढ़ो, अच्छे चरित्र निर्माण करो, अच्छे नागरिक बनो, ताकि इस देश को और आगे ऊंचाइयों पर ले जा सके। इसी के साथ साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब मैं आपको निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें और इसका शोभा बढ़ाएं। गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और हम आभारी है कि आप आज हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। इट इज माय प्रिविलेज टू वेलकम वन मोर गेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, श्री पृथ्वीराज सिंह भट्टी जी,
additional private secretary to Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. Welcome, everyone. Thank you. दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा. It is my pleasure now to introduce our Honorable Chief Judge for today's evening, who is going to play the most important role in selecting the best performances today. We have with us Mr. Christopher Benjamin, sir, who is trained in keyboard from Trinity College, London, trained in vocals from London College of Music. He has been a judge in many school and college fests. He is the director of Viavon's Music Academy and has been providing music education for the last 16 years. He is also the city head for London College of Music in Asansol, West Bengal. Sir, aapka is karyakram mein bahut bahut swagat hai. Thank you very much for having me here. It is a great honor to be a part of this event. Thank you so much, sir. Dear all, it is time for us to move on to the main part of the program and listen to the best of the talents of Bharat Scouts and Guides. I am sure all the participants are eagerly waiting for showcasing their talents in front of our today's guests and judges. Before we start, I would like to make an announcement that we have 12 participants today, 8 from Scout Guide Group and 4 from Unit Leaders Rover Ranger Group. The results would be best 2 performers from Scout Guide Group and 1 from Unit Leaders Rover Ranger Group. Parindon ko milegi manzil, ye unke khule hone par bolte hain. परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके खुले होने पर बोलते हैं. वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिनके हुनर हमेशा बोलते हैं. विद दिस आई कॉल ऑन स्क्रीन आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट सोमोजित रॉय फॉलोड बाय वैभव सुंदर आराजन. नमस्ते, मेरा नाम सोमोजित रॉय. मैं ईस्टर्न रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स काचरपारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन साउथ ग्रुप का एक प्रथम सोपान स्काउट हूँ. आज मैं अपने कीबोर्ड में एक हिंदी सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ जिसका बोल तुम मिले दिल खिले. Thank you.
Soumyajit, lovely performance. I would like to comment that there was great coordination between your left and your right hand. Good use of the various tones, especially the pitch bender. The pitch bender, you used it extremely well. It was a tough song indeed to attempt. I must say, throughout the song, you kept to the beat. You did not skip a beat. Great performance, and I'm sure in years to come, you're going to turn out to be an excellent keyboardist. God bless you, child. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Vaibhav Sundararajan to present his performance. Yes. Good evening. I'm Vaibhav Sundararajan of Kendriya Vidyalaya IIT Madras, Southern Region, and I'm in the Pratham Sopan level. Today, I'll be playing a famous Hindi film song, I Love My India, from the 1997 movie Pardesh. Thank you. Vaibhav, I must say, violin is one of the toughest instruments to play, and you have done justice to your performance. I must say that the articulation was good, the dynamics in your song, that there was a variety, you controlled the volume very well, and it was a great experience listening to you. Well done, lad, and all the best for all future endeavors. Thank you, sir.
Thank you, Christopher, sir. And both the performance were really mind-blowing. I mean, hats off to both the children. दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसी गाइड मौजूद है जो कि म्यूजिकल हंगामा के पूरे इवेंट में के दौरान एक अकेली गाइड रही जिन्होंने तबला का परफॉर्मेंस दिया है, मिस अदिति अनन्या पटनायक, गाइड ओडिशा स्टेट बीएसटी स्टेट से। आज मिस अदिति हमारे समक्ष अपना प्रस्तुति एक स्पेशल परफॉर्मेंस के रूप में देगी। अदिति जी आइए और अपना प्रस्तुति दें। Namaste, I am Aditi from Odisha state. Thank you for giving me an opportunity to perform in this grand finale. Thank you.
That was a beautiful performance, Aditi. आप देश की लड़कियों के लिए सच्ची प्रेरणा है. Now I welcome additional private secretary to Minister State for Social Justice and Empowerment, Government of India, Mr. Prithviraj Bhatti, sir. Sir, welcome to this event. Thank you so much for inviting me on this very good musical concert of the Bharat Scout Guide. I have also associated with the Bharat Scout Guide when I was in school, and I was attended so many games which was organized by the Bharat Scouts Guides. Thank you very much for inviting me on this musical drama and your musical concert, online virtual concert. Thank you so much. Thank you so much, sir. प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहती हूँ सैयद अमन कबीर को और तैयार रहेंगे तत्वा वाई कुमार. Good evening, everyone. Myself, Syed Ahmed Kabir from Eastern Railway Asansol District Hospital Group. I am going to present a 90th medley. I hope you like it. Aman, that was a wonderful performance. It was a good blend of rhythm and harmony. The best part of your performance was that
You played the melody of the song as well as you gave regular fillers at various intervals. A good transition made from minor scale, where you started the song, then you went to a major song, that was Pehla Nasha, and then you came back to the minor portion, ending with the same song. So that transition was very well balanced. Well done, and I see a great keyboardist in you. All the best for all future endeavors. Good luck. Thank you so much, sir. After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. For the next performance, I would like to call Tatva Y. Kumar and Tayar Rahenge Nandini Sukrishna. My name is Tatva Y. Kumar from Karnataka. Today, I am going to play drum cover for the songs from the movie Bombay and Pehla Nasha. Tatva, that was a brilliant performance. Firstly, hats off for the choice of songs. It really made us all groove along with your beats.
I'm sure all would agree with me on that. It is very difficult to play along with a backing track, as when you are in the groove and when you're playing the drum, you tend to lose your tempo, but you were bang on beat throughout. Great job for that. Great use of the roll, especially when you used it at various intervals and in between in transition. It was lovely. Good use of the roll. Well done. We really enjoyed it. Thank you. Thank you, Christopher, sir, for your wonderful feedback. Music, once admitted to the soul, becomes of spirit and never dies. Now, I would like to call Nandini Sukrishna for her performance, followed by Divyansh Bizora. Yes, Nandini. Namaskar, sare guru ko mera sat sat pranam. Main Nandini Sukrishna, sarvi kaksha KV Godarod ki chhatra hu. Main East Coastal Bay, Bharat Scout and Guide ki ek guide hu. Bharatiya sanskriti mein संगीत एक विशेष अंग है. संगीत की ताकत राग प्रदीप से आग जला सकती है और राग मेघ मलार से बारिश भी हो सकती है. संगीत खुशी और शांति का भंडार है. तो चलिए मैं आज आप सबको फिल्म दिल है कि मानता नहीं का टाइटल सॉन्ग की बोट में बजाने का कोशिश करूंगी, जो कि पीलू राग पर आधारित है, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण जी है. Thank you.
Nandini, I've been watching your performance closely from the quarterfinal round. From two keyboards, you have now come to three. If there was another round, I'm sure you would have added another keyboard. That is the fourth one. Jokes apart, it's not easy to perform on multiple keyboards at the same time, but you did it very easily. Good performance, especially the variety of tones that you used. The interludes, that is the music you played in between phrases, was brilliant. Good job. All the best. God bless you. बिल्कुल सही कहा सर आपने. इन्होंने तो मतलब डबल धमाका से ट्रिपल धमाका कर दिया आज. आगे बढ़ते हुए अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दिव्यांश बिजोरा जी को, और तैयार रहेंगे यशवीर कुमार सोलंकी. दिव्यांश जी. Today I am presenting tabla in front of you with a beautiful song, Dil Hai Ki Manta Nahi. So let's play. Divyansh, you've got magical fingers, I must say. You have a good touch on the tabla. It seems rhythm flows in you. What I liked about your performance was that you did not give any unnecessary role in between. Whenever it was needed, you made good use of the beat and a good variation could be felt. Well done. God bless you. Thank you, sir.
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया है, तो आइए चलिए फिट इंडिया मूवमेंट के एक्टिविटी को हम करें, क्योंकि जब इंडिया होगा फिट तभी इंडिया बनेगा हिट। इस इनिशिएटिव के तहत आप प्रतिदिन 30 मिनट से 60 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आइए चलिए देखते हैं फिट इंडिया का एक वीडियो। Hi, do you know the word yoga means to join or unite the unison of body, mind and spirits, uniting all the aspects of yourself, or uniting with the higher power or spiritual force? Wanna do yoga and keep yourself fit and healthy during this lockdown? Then watch the new episodes of Yoga with BSC. Powered by the Bharat Scouts and Guides in its official YouTube channel. If you really like it, then please like, share and subscribe to channel. And do not forget to press the bell icon to get notified and updated. जी, बिल्कुल सही कहा। जब इंडिया रहेगा फिट तभी तो इंडिया बनेगा हिट। मूविंग अहेड इन द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्क्रीन यशवीर कुमार सोलंकी फॉलोड बाय रोशन मितेई। यशवीर कुमार सोलंकी प्लीज। नमस्कार, शुभ संध्या। इस शुभ घड़ी में सभी आदरणीय जजो एवं मुख्य अतिथिगणों को मेरा सादर चरण वंदन। मेरा नाम यशवीर कुमार सोलंकी है, मैं राजस्थान स्टेट से हूँ। ग्रैंड फिनाले की थीम सदाबहार 90s पर मैं आपके समक्ष एक गीत बजाने जा रहा हूँ जिसके बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो लीजिए प्रस्तुत है संगीत। Thank you.
को मेरा सादर वंदन। धन्यवाद। Yashveer, I must say, you chose a very nice song for performance, and attempting Bollywood songs on the keyboard, it's not that easy. So you chose a very nice beat, which was apt for the song, and there was a nice blend between your right hand and your left hand, as in your left hand while you were playing the chord and right hand with which you were playing the melody. So good coordination, well done. All the best for all future endeavors. थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल फीडबैक। अगली प्रस्तुति के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगा रोशन मेते को और तैयार रहेंगे हेमंत पी पाटिल जी। रोशन प्लीज। रोशन जी स्टार्ट कीजिए। रोशन जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। सुकन्या हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में रोशन जी को बुला लेंगे। ओके। चंद पंक्तियां इस शाम के नाम। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्क्रीन श्री हेमंत पी पाटिल जी फॉलोड बाय मिंटू शुतिया। नमस्कार, मैं हेमंत पाटिल फ्रॉम हाई स्कूल नंदुरबार, लीडर ट्रेनर स्काउट। पहले तो मैं राष्ट्रीय संस्था को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज मैं आपके सामने एक गीत रख रहा हूँ, चांदनी फिल्म का, जो 1989 से है, और लता जी ने और बाबुल सुप्रियो साहब ने, बाबुल मेहता जी ने, बाबला मेहता जी ने गाया हुआ है, जो ऋषि कपूर और श्रीदेवी इन पर फिल्माया गया है। और आज के जज को मैं पहले प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरु पंडित विवेक सोनार जी तथा सौ सुनीता चौहान मैडम, इनको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके सामने गीत रख रहा हूँ। खूबियाँ इतनी तो नहीं हमें कि किसी के दिल में घर बना जाए, खुबियां इतनी तो नहीं हमें कि किसी के दिल में घर बना जाए, पर बुलाना भी आसान नहीं होगा, पर बुलाना भी आसान नहीं होगा, जिस दिल में हम बस जाए, जिस दिल में हम बस जाए। Thank you.
Thank you. Hemanji, it was a great experience to hear you perform. Though the audio was giving trouble in between, but still the melodious voice of the flute touched our hearts. Good synchronization of melody with rhythm. Well done. Good job. Thank you, sir. Now I would like to welcome Shri Manish Mehta Ji, National Commissioner of BSG India, for his blessings. सभी को मेरी शुभकामनाएं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरे चीफ नेशनल कमिश्नर खंडेलवाल साहब का, डायरेक्टर राजकुमार कौशिक जी का, कि जिसने मुझे ये कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया और खास करके ये म्यूजिकल हंगामा प्रोग्राम में इंचार्ज दर्शना मैम और रूबी जी और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये हैंडल किया और आगे के टाइम पे भी हम अच्छी से अच्छी सेलिब्रिटी को बुलाकर हम नेशनल हेडक्वार्टर का नाम रोशन करेंगे. सभी को शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर. अब मैं बुलाना चाहूंगी मिंटू शुतिया को और तैयार रहेंगे विजय कुमार जी. नमस्कार. आज उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम. माई सेल्फ मिंटू सुतिया. आई एम फ्रॉम एनएफएलई मोरनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन. आज नेशनल लेवल म्यूजिकल हंगामा का ग्रैंड फिनाली राउंड है. वो ग्रैंड फिनाली राउंड में मैं आप लोगों के सामने खोल और कोंगो की द्वारा कुछ बीट सुनाऊंगी. आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा. थैंक यू. हेलो, एम आई ऑडिबल? जी क्रिस्टोफर सर, लगता है कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के वजह से मिंटू जी वीडियो एक्चुअली थोड़ा रुक गया था. ठीक है, हम मिंटू को फिर से एक बार चांस देंगे परफॉर्म करने के लिए. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. म्यूजिक इज लाइफ, दैट्स व्हाई आवर हार्ट बीट्स. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा विजय कुमार जी को और तैयार रहेंगे हमारे अगले प्रतियोगी गोविंद मकवाना जी.
विजय कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग. आई एम मास्टर विजय कुमार फ्रॉम पंजाब स्टेट एंड टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन फ्लूट अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग तू जग जग मुझको पुकारे फ्रॉम कुर्बान मूवी एंड दिस सॉन्ग इज संग बाय उदित नारायण जी एंड अनुराधा पौडवाल. स्टार Vijay ji, it was a lovely performance where the melody really, it was very touching and we really enjoyed your performance. Good use of the notes and the variation which you were giving in time to time. Thank you and good luck for future. Thank you so much, sir. Thank you, Christopher, sir. We have a special guest with us this evening. Shri Ravi Tripathi is an Indian playback singer, composer, and music director. He was one of the mega finalists of the television music reality show Indian Idol Season 2 in 2006. He was the only Indian artist to have been invited to perform and represent India at the closing ceremony of Asian Games
2010 in Guangzhou, China. He has also performed in Hollywood with star Jackie Chan in Countdown shows. Sri Ravi Tripathi performed in more than 3,000 live shows in India and across the world. Aapka bahut bahut swagat hai, sir. I request you to bless our participants now. Namaste. Sorry for being late, since I am traveling. But bahut achha lag raha hai. Aur thank you so much. Mujhe is bahut achhe program ka hissa banane ke liye. Looking forward to listening to many talented people. So just wait kar raha hu ki aap sab aur achha perform kare. Aur bahut achha kar rahe hain. I'm really enjoying it. बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आपके साथ बैठूंगा मैं जस्ट सुनने वाला हूं और भी अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को जो आपके साथ इस ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं एक बार सबका हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे बाद में भी थैंक यू सो मच सर सर क्योंकि आज इतने बड़ी हस्ती है आप जो आप हमारे कार्यक्रम में आए सर तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ चंद लाइनें अगर सुना दे हमारे दर्शकों को सर जरूर जरूर सुनाएंगे बिल्कुल क्या सुनाऊं एक तो मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं मैं कुछ ऐसे दो लाइनें सुनाता हूं सिर्फ बेयर वॉइस में बॉलीवुड का सुनाता हूं मैं कुछ कोई गाना और मेरे बारे में कुछ गाने भी आने वाले हैं जैसे मैं भारत बोल रहा हूं एक गाना है जिसे मैंने कैलाश खेर जी ने मेरे गुरु सुरेश वाडकर जी ने सब साथ में गाया शान की तिवारी सब लोग हैं आप सुनिएगा उसको और अभी मैं चूंकि यूथ परफॉर्म कर रहे हैं सारे और मैं हम सब वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है हमारा यूथ ज्यादा है और इसीलिए हम वर्ल्ड बनने की काबिलियत रखते हैं तो डेफिनेटली हम सब बहुत आगे जाएंगे मैं आप सबको डेडिकेट करता हूँ चार लाइनें सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल फूल मिले अंगारे सच की राहों पे चलता चल सच की राहों पे चलता चल प्यार दिलों को देता है अश्कों को दामन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है ये मैसेज था मेरा हम सब के लिए कि जो कुछ हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए हम सबको करते रहना चाहिए चाहे हम एक दीपक के रूप में जलते रहें लेकिन वो अपने लेवल पे अपने ही रेंज में एक रोशनी तो फैलाएगा ही और ये प्रयास हम सबका होगा तो बिल्कुल हमारा देश और पूरा विश्व Thank you so much, sir. That really touched our hearts. Now, I would like to call on screen Shri Govind Makhwana ji for his performance. Yes. Namaste, sabhi ko. Main Govind Makhwana, Scout Master, Unit Leader. केंद्रीय विद्यालय हरणी रोड बड़ौदा गुजरात से सबसे पहले मैं अपने बांसुरी गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज बांसुरी पर वर्ष 1992 में रिलीज हुई और एआर रहमान जी के संगीत से सजी हुई बहुत ही एक बेहतरीन मूवी जिसका एक गाना है बहुत ही प्रचलित गाना है ये हसी वादिया ये खुला आसमां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं आपके समक्ष धन्यवाद
धन्यवाद। गोविंद जी जी नमस्ते। यू मेड अस ऑल स्पीचलेस। अटेम्प्टिंग एन एयर रहमान सॉन्ग शोज हाउ डेयरिंग यू आर एंड रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। ईच एंड एवरी नोट दैट यू प्लेड वाज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। द डायनामिक्स थ्रू आउट द सॉन्ग वाज ब्रिलियंट। आई एम श्योर इफ एयर रहमान सर हियर्स यू प्ले ही वुड डेफिनेटली हैव यू इन हिज टीम। सो गुड लक, great performance. Thank you very much, sir. Next, I would like to call on screen Roshan Methi for his performance. Roshan, can you hear us? He's having some network issues. So now I would like to call Mintu Shutia for his performance, as his connection was lost earlier. Thank you, ma'am. Good evening, all. As upasthit sabhi ko mera pranam. Myself, Mintu Shutia. I am from NF Railway, Mohini District Association. As national level musical hangama ka grand finale round hai. Again, finale round mein, main aap logo ko samne khol aur kongo ko dwara kuch beat lekar aa raha hu. Aasha karti hu aap sabhi ko acha lagega. Thank you. Thank you.
मिंटू जी, लवली परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कॉन्गो और उस बड़े ड्रम में, मतलब बहुत अच्छा लगा सुनने में. इट वॉज अ गुड ब्लेंड ऑफ वेरियस रिदम. Your, though your audio was not that clear, but great attempt. And what I liked about your performance was you really enjoyed, you were enjoying your performance. That's a very good sign. So all the best for your future. God bless. Thank you, sir. Now I would like to call Roshan Metai for his performance. Good evening, everyone. I am Roshan Metai Pichimiyom. I am a scholar from Manipur, IRE in the Moscow School, Langjing. Today, I am going to play a music from 1995, Dilwale Duniya, and the song name is Tujhe Dekha Jana Sanam. Thank you, Roshan. That was a lovely melody, though I know you got disturbed with the network problem, but still the fighting spirit in you did not break your confidence. Good performance. We really enjoyed it. God bless. Thank you so much, sir. With this, we have come to the end of our performances. All the participants have outperformed themselves with their rocking performances. Now we have an announcement to make. The national headquarters of the Bharat Scouts and Guides. Now I request Ms. Ruby Parvat Ma'am, Regional Organizing Commissioner, Guides, NER Region, for the announcement. Good evening to all of you. Fun announcement for all of you for the World Guide song. The Bharat Scouts and Guides has to second largest membership in WACS, World Association of Girl Guide and Girl Scouts. But we did not have world song in Hindi until now. The national headquarter of Bharat Scouts and Guides has decided to reproduce the world song in Hindi. This time, the composer as well as musicians in our own young members and adult leaders. We had 51 entires out of
out of which 5 interiors were shortlisted. These 5 videos were put in YouTube channel of Bharat Scouts and Guides India for online voting. After receiving huge response from the viewers, the national headquarters have finalized the world song in Hindi. Let us tune in the world song composed in Hindi by our young members and adult leaders. Thank you. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Now I call Vaishali Maharana, the winner of the song. Congratulations, Vaishali ma'am. Thank you very much, ma'am. It was really a great suspense for all of us. Voting kya hogi, kaise hogi, kaun jitega? Really, hamare dil dhadak rahe the. But finally, we got it. भारत स्काउट गाइड्स के सभी पदाधिकारी गणों को, वैग्स के जो आज हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनको और म्यूजिकल हंगामा प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को और साथ में जो सारे व्यूवर्स हैं जो हमको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबका हमें इस शिखर तक या फिर इस ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं साथ ही हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं केवीएस के माध्यम से ही भारत स्काउट गाइड से जुड़ी हूँ और केवीएस से भी मुझे बहुत सहयोग मिला. केंद्रीय विद्यालय खरगोन के सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी छात्र छात्राओं का, हमारे प्राचार्य महोदय का, हमारे केवीएस के सभी पदाधिकारी गणों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. ये मेरा नहीं, ये हमारे विद्यालय का नहीं, ये हमारे भोपाल डिवीजन का नहीं, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टेट की और साथ ही भारत स्काउट गाइड संस्था की भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हिंदी में अभी तक जो गीत नहीं बना था अब वो बन गया है. आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर रेस्पेक्टेड Ms. Darshana Pavaskar, ma'am, Joint Director of BSG, for the introduction of the WAGS representatives. Thank you. Yes,
that was a really a very important decision that we could make. And because we could not make which would be the best songs, because we had 51 entries and further down shortlisting to 5, it was a difficult decision we had to make as an organization. So we gave it to the members to decide. And on the numbers of votes that we received, congratulations, Vaishali. You and your girls and a whole team of Khargone Kendriya Vidyalaya has really worked dedicatedly and efficiently to make this song. It's a historical evening. Thank you very much. Further, Teravanu Haidi Yoknani. She is the chair of the World Board of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, elected as chairperson in August 2020. Haidi has served on the World Board since 2016, a member of Girl Guides and Scouts of Finland. She has previously held the position of Chief Commissioner, International Commissioner, and served on the National Board for 8 years. Haidi is currently on parental leave, but has most recently acted as postdoctoral research in philosophy and ethics, and also as a church minister. I welcome Haidi to, at a very short notice, you could come here and join to congratulate our winner. Welcome. Thank you, Darshana. Dear friends in Girl Guiding and Girl Scouting, what an honor it is for me to be here tonight. I was delighted to hear yet the very first time ever in the history when the world song has been performed in Hindi language. I'm especially happy to be here tonight because obviously India has a very special place in my heart, having been in the India World Conference 3 years ago and having tasted your culture and your warm hospitality. So tonight, I am glad to notice and glad to learn that next time when we all will be together again, you will be able to sing and join in the world song in your own language, in the Hindi language. What a wonderful thing to do for you. And let me extend my warm congratulations to Vaishali. And of course, thank you to all of you who sent your entries and who voted in this very important competition. It's also an honor to be here tonight because of the very special place Bharat Scouts and Guides have in WAGS, not only due to your very, very big, enormous size, but also because of the commitment that you show continuously. I have been very amazed to learn of how quickly you have adapted under the COVID to moving your whole organization to online guiding and scouting. You have already hosted an impressive amount of amazing opportunities online, including the virtual National Youth Forum, where my predecessor Anna Maria was participating as well. And these wonderful singing and music competitions that I have been enjoying listening tonight. Thank you, everyone, for your good work. Keep up the good work. Let the flame of Girl Guiding and Girl Scouting spirit shine upon you even in the future. Good evening, and until we see again. Thank you very much. Thank you very, very much for joining us today on this special occasion. Lahu dekar tirange ki bulandi ko sawara hai. Farishte tum watan ke ho, tumhe sajda hamara hai. We have with us another dynamic leader and one of the pillars of the organization, Mr. M.A. Khalid, newly appointed additional Chief National Commissioner of BSG India and State Commissioner Scouts of Karnataka. I request Mr. M.A. Khalid sir, additional Chief National Commissioner, to bless the participants.
Thank you very much. Good evening to all of you. It's a pleasure to have Heidi amongst us, who is the current chairman of the WACS. And what an occasion we have today. I should first congratulate and my greetings to all the participants of this musical hangama. Most of you performed very well. And I was certainly impressed by Mr. Christopher Benjamin, who was giving his commentary, advice. And because of this advice, I could also learn a few finer points in music. He never discouraged any of the participants. He encouraged everybody and brought in the finer tune in them. That's something really remarkable. We should be thankful to Christopher. Then coming back to Heidi, who is present amongst us. We had the national anthem in Hindi. We had our prayer in Hindi. And now we have our world song in Hindi. I think they have done a remarkable job. And I should congratulate Vaishali Paharana, who along with the team has come out with a song very well. And this, I think, would be adopted very well. This pandemic has really taught us that we can turn any adversity to our advantage. And the very Zoom meetings, the webinars we had, clearly showed that we utilize the latest technology to our advantage and reached even at grassroots levels. Most of us have reached even the local units through Zoom. And as I said, this technology has brought us closer. And as they say, every dark cloud has a silver lining. This pandemic had a silver lining in bringing us closer. And we have exploited this to our advantage. And you can see we have carried on many activities. And as Heidi also rightly said, that I should be thankful to you that you say that you have a place of Bharat Scouts in your heart. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your guidance, love, and support means a lot to us. We now call our Chief Judge, Shri Christopher Benjamin, sir, for inspiring our participants with a special performance. Christopher, sir? Yes, yes. We request you to start your performance. Okay. Right, good evening to all once again. So this is a special performance I dedicate to all the participants and all the members. Hope you enjoy it. Hum rahe aa rahe hain
चल आ मेरे संग चल चल सोचे छोटी सी है जिंदगी Thank you so much for sir for the lovely performance. Now I would like to introduce Bronwyn Hughes. She is the chair of the Asia Pacific Regional Committee for the World Association of Girl Guides and Girl Scouts and is from Australia. Prior to taking on this role, Bron has been a WAGS facilitator, worked for the World Centers, was an Asia Pacific Capacity Assessment Tool mentor, and was a WAGS delegate at the United Nations Climate Change Conference, COP 16, 17, and 18. Bronwyn is currently working at Australian Red Cross, where she is responsible for the national leadership of strategic initiatives and volunteer and member operations. Thank you so much. It's such an honor to be joining you all here this evening. And as Heidi said, so important that the Hindi World Song has been released. It's so exciting that now young women across India will be able to sing the World Song in their own language as we all sing as sisters at global guiding events together. I am so privileged that I have also got a very special connection with India, and earlier this year was there in national headquarters alongside many Bharat Scouts and Guides leaders talking about the amazing things that are happening in the organisation. And I've been so impressed over the last few months during COVID, which has been so very difficult for many of us around the world, at the way Bharat Scouts and Guides have risen to the occasion and done so many amazing things. The Sandkelp challenges, where young people were all around the country. I was seeing so many amazing photos of people helping their communities, learning new things, connecting with each other, and supporting themselves, as well as educating themselves about new topics so fantastically. But also, I know there's been online trainings, reorientation courses for leaders, so many of the singing and music competitions. I know at the moment there's also Adventure Fest and Fit for India, so many amazing things happening, as well as the work that everyone has been doing around across India in supporting their communities by doing community service and assisting with providing food and water, cleaning, supporting migrants, doing such amazing work, being active citizens across the country.
I think you should all be very proud of everything that is happening. And we are very happy to support you all as well. And I'm very excited to see what else happens and the rest of this evening's programs. It has been great joining you all tonight. Thank you, Bronwyn, for being with us. We're really glad that you and Heidi are with us in this beautiful musical evening. Thank you again. अब वो घड़ी है जिसका हमें सबका इंतजार है और हमारे पार्टिसिपेंट्स बेचैन हैं। जी हाँ, अब समय है रिजल्ट्स का। आइए सुनते हैं हमारे जज से। Over to you, Christopher sir. I'm sure सब मेरे से agree करेंगे, all would agree with me that finding the winners out of this competition would not be an easy task. Because all the participants, they surprised us with their melodious performance. They were all good, all gave a mesmerizing performance. But then at the end of the day, we have to choose a winner. So in the junior round, but before I would announce, I announce the results, my message to all the participants, please, if you don't win today, do not think that you are not good. Just that. Today, the other performance, they just performed slightly better than you. But for me, all of you are winners today. So participation is more important than winning. So as in the beginning, the organizers said that around 1,200 candidates had applied. Initially, they had applied for this competition. And then there was very various stages where y'all got shortlisted. And then there was the quarterfinal. And there was the semi-final, and then today the final. So you should all be proud of yourself that you made it to the final. So let us give a big hand to all the participants, please. They really did a good job. Right, so coming to the results. Coming third, with 41 points out of 50, is Sayyed Aman Kabir. Please give him a big hand, please. Sayyed Aman Kabir coming third. Now, second is Tatwa Y. Kumar with a score of 42.5 out of 50. So Tatwa, congratulations. Aman, congratulations. Coming first with 44 points, we have our first participant of the evening, Soumyajit Roy, who was fabulous on the keyboard. So, these were the results of the junior students. Coming to the senior participants, since we have to have one winner, we have the winner with 44.5 score out of 50, Mr. Govind Makwana. So a big hand for Mr. Govind Makwana. You were fabulous on the flute. Fabulous. So this was my humble effort to ensure that I did justice to the competition, and there was a fair marking and a fair competition. Thank you. Over to you. Thank you so much, sir. Many congratulations to the winners and all the participants. It is definitely not an easy task to make it to the top 12 of the online national instrumental competition, Musical Hangama. Phool khile gulshan mein khubsurti nazar aaye. फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आए आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई विद दीस लाइंस आई रिक्वेस्ट आवर रेस्पेक्टेड मोस्ट एनर्जेटिक डायरेक्टर श्री राजकुमार कौशिक सर टू प्लीज ब्लेस अस थैंक यू सुकन्या डियर हेडी जोकिनन चेयरपर्सन वैक्स
then with huge chairperson APR, first of all, I congratulate both of you to become the chairperson, and we hope that we will get cooperation from WACS in more better way, because both of you understand the concept and the culture of India. Mr. Ravi Kiran, the Member of Parliament, who is now not available, but and Mr. Ravi Tiwari, the Music Director, really very grateful to you, Raviji, that you have joined us in spite of your busy schedule. I came to know that you are in Delhi only. So I welcome you to our national quarter, if possible. You may have a visit tomorrow or day after tomorrow, so that we will be more happy to see you in person. And we hope that we will get in future also your contribution to this great organization of the youth. Then Mr. Vinay Kumar Meenaji, our Additional Commissioner of Income Tax, who is a well-wisher to us. And if I will say that he is also a community scout to Bharat Guides, and he is always cooperating with us. Then our Additional Chief National Commissioner, Mr. Khalid, who has just now left because of his some urgent work. Mr. Manish Mehta, our Headquarter Commissioner. Now it is National Commissioner Headquarter. Then Mr. Prithvi Rajji, really, your joining has given more push to us. Whereas you are in the Ministry of Social, but being a scout, we hope that in future we will get a cooperation from you also for the development of this organization. Mr. Christopher, our judge, how much I have to give my wordings, I don't have in my dictionary, even though you don't belong to scout movement, but I have seen you from quarterfinal, you are continuing giving your timing 2 hours, 3 hours for our competition, even more than that. So that shows that really from by heart, you are a scout, and we welcome you in the scout family. So now this was the Hangama semi-final. So first of all, I want to congratulate all the winners. And those who are not able to win, they should not feel that they are not the winner. They are also winner, because at least you have reached to the final, and your performance has been seen not only at India level, but as well as at the world level. And now you have already seen the two chairperson, the head of the organization, that is WACS. They have watched you people. That in itself is a greatness for them, that they are also with us for the continuously last 2.5 hours. For the information of our both the chairperson and Ravi Tiwariji, and Vinayji knows very well, and Mr. Prosper also knows, because for the last so many process we have informed. But for the information of all the new guests, sir, the Bharat Guides has taken COVID-19 not so seriously, and we have proved that COVID-19 cannot do anything against us. And from the starting March, when the government declared the lockdown, the Bharat Guides started working how to involve our youth, how to engage them. And really, our youth, our Rover Rangers, Scout Guide, unit leader, they have done a wonderful job. First, we started with Sankalp project, working from home only for campaigning against the COVID-19, and also engaging themselves in different activities. And it was really viral like anything, and even the WACS also appreciated many times, and Vajam also appreciated. And immediately after completion of Sankalp, which was within the house, we launched Udaan,
means in the field. And our scout guide, rover rangers, they have worked so much that they have distributed rations, they have made, they have cooked the food and they have distributed to the needy people and regarding the social distancing and hand wash to protect ourselves from the COVID-19, such type of work that they have performed. And even sanitization of buildings, government buildings, even the local houses, etc., and the helping the local administration. So it was really appreciated, not only at all level, but as well as at the government level. And number of virtual activities we have organized, and I don't think our professionals from the national quarter, they have slept properly even for 6 hours. They have worked till late night, and IT team also, they have performed well. Even you will surprise that our IT team is not so expert. What video you have, you people have seen, that video also has been made by our local scout guide, rover rangers only at their own. So if the same thing has been utilized through IT expert, I think we might have done a wonderful job. But even though whatever they have done, it was tremendous, and I think no one can do better than this. So these are the activities, and even the training course also now we have started online, and one beginner course to have the more membership growth, as we have already had a MOU with WACS and under the UPA project, and as well as the Vojam also having a MOU with us for the membership growth. So beginner course also we have already started online. And after that, now ROT, reorientation course for trainers, and now in future the assistant leader trainer and leader trainer course are also going to be organized. Other than this, for youth activities also, Bharatwise is taking initiative, and now the syllabus means the what highest award we are having for the Golden Arrow and Rashtrapati Award. For those, we have revised the syllabus also, and we have kept option for the youth so that during this COVID-19, there is no need to them to go to the field, and they can do the work at their home or within their locality. So that work also has been done, and now we are working for their website also for training and testing. So let us hope that Bharat Guides, with the help of all our professionals who are working as a team, as a family, and I must congratulate all my professionals also for their hard work. And now musical hangama, we had a singing fiesta in which the singing competition for the youth was conducted, in which Raviji, for your information, one of our finalists who won the competition, Miss Mena Rao from Rajasthan, she has been now joined the group of Mr. Kailash Kher. So that is a achievement of our competition. And we hope that from our this competition also, some of our participants, one or two, may also join some musical group. And even I am feeling, why not the Bharatwise can have our own band when we are having so much caliber with us. And now in regard to the people who are not able to achieve the award from the semi-finalist and as well as from the finalist, I wish all of them, and I wish all of you for next competition, that is Fit India, Hit India. So I hope all the participants will participate in that, and we will show that yes, we can achieve whatever we will fix, even though pandemic COVID-19 is going on, but we are not going to be back because of this pandemic. So once again, congratulations to all of you. Thank you. Over to Sukanya. Thank you so much, sir.
Thank you so much, sir. Yes, definitely under your leadership, the Bharat Scouts and Guides will reach more heights. And we really know that. So moving ahead in the program, let's have a glimpse of the semi-finalist who made a beautiful video for all of us. For making a program successful, there are many people involved or engaged. Today on the screen, you can see many people, some of us, but there are many people who are involved behind the screens. So let's see who are those people who have worked day and night to make this event successful. Thank you.
Thank you everyone for your wonderful support throughout the event. Now, I request Ms. Ruby Parbat, Regional Organizing Commissioner Guides, Northeast Region, for delivering the vote of thanks. Thank you, Satyajitji. Good evening to one and all. Respected our chief guest, Mr. Ravi Kishanji, actor, producer, and member of parliament. Mr. Bimal Kumar Meena, additional commissioner of income tax, Film Prince, Mumbai. Mr. Himesh Resamiyaji, for your motivational message for the youth. Mr. Ravi Tripathi, music director and special guest for the event. Mr. Prithvi Raj Singh Bhatti, additional private secretary to Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. Special thanks to Mr. Christopher Benjamin, our judge for today's evening. Mrs. Browning Hughes, chairperson, Asia Pacific Committee, and Ms. Harry, member of the Guides and Scouts of Finland. Respected our M.A. Khalid sir, additional chief national commissioner. Our director sir, Mr. Rajkumar Kausik. Madam Darshna Pawaskar, joint director guide and supervisor of the musical Hangama. Sri Manish Mehta sir, national headquarter commissioner, Bhas Scouts and Guides. Thanks to our IT team and supporting staff, Mr. Ayan Shenapati and Srijit Srinath, for making this event more colorful. Thanks to the national headquarter professional, all the deputy director, joint director, assistant directors, and regional organizing commissioners, and all the office bearers from the state headquarters. And our master of ceremony, Mr. Satyajit Chatterjee and Sukanya Sen. And my dear participants, thanks to each one of you for making this virtual event a grand success. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination. With this note, I could say that the musical Hangama has become mega event for the young people of the country. A platform and a place to hone their skill and talent. The Bhas Scouts and Guides has been organized a series of virtual program for the youth at the same time rendering service across the country during the pandemic situation. I really appreciate all the participants for the performance and all the such our guests for sparing their valuable time. We are looking forward to organize more events in the future. I also congratulate participants who came up to semi-final round. You deserve equal appreciation. Congratulations to all the winners of grand finale of the musical Hangama. Aap sabhi ko main tahe dil se dhanyawad deti hu ki aap sabhi ne hamare is online virtual musical instrument competition ko ek safal banane mein apna yogdan diye aur apna saath diye jiski wajah se hamara musical Hangama program jo hai wo success hua. So ye program akele se nahi ho sakta hai. तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे फेसेस बिहाइंड द सीन में हैं जो आप सभी ने एक छोटा सा वीडियो देखा. सो मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जो भी इस वर्चुअल सिंगिंग कंपटीशन, वर्चुअल नेशनल इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन में हमारा हेल्प दिए. तो उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. और लास्ट में थैंक्स टू गॉड कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुआ. Thanks to each and everyone. Thank you. Thank you very much, ma'am. As it is said,
all good things comes to an end. So is Musical Hangama, online national instrumental competition. So before we close the event, I request you all to stand for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Utchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता Thank you. Have a lovely evening. Thank you, one and all.